नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। 15 अप्रैल को पहले चरण का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न होगा। इसके अलावा 19 अप्रैल को दूसरे चरण का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होगा। 26 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होगा और 26 अप्रैल को जिन जिलों में मतदान होगा, आइए उन पर एक नजर डाल लेते हैं। हालांकि नतीजे एक ही दिन घोषित किए जाएंगे, वो है 2 मई की तारीख, लेकिन अलग अलग चरणों में मतदान संपन्न होगा, जिसमें 4 चरण हैं। 2 चरणों की जानकारी हम आपको दे चुके हैं, तीसरे चरण में कौन कौन से जिले शामिल हैं, आइए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। तो तीसरे चरण में 20 जिलों में मतदान संपन्न होगा, जो कि 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें शामली, मेरठ और मुरादाबाद शामिल हैं। 26 अप्रैल को ही पीलीभीत, कासगंज और फिरोजाबाद में भी मतदान होगा। इसके अलावा औरैया, कानपुर देहात और जालौन में भी 26 तारीख को ही मतदान होगा। हमीरपुर, फतेहपुर और उन्नाव में भी 26 अप्रैल को ही मतदान होगा, जो कि तीसरे चरण के तहत होगा। अमेठी, बाराबंकी और बलरामपुर में भी 26 अप्रैल को ही मतदान होगा। सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली और मिर्जापुर में 26 अप्रैल को ही मतदान होगा, तीसरे चरण के तहत ये मतदान होगा। तो तीसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें 20 जिले शामिल हैं, जिनके नाम हमने आपको बता दिए। अब हर कोई जानना चाहता है कि नामांकन प्रक्रिया कैसी होगी और किस तारीख में होगी, तो एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। तीसरे चरण के तहत 13 और 15 अप्रैल को नामांकन की तिथि रखी गई है। नामांकन की समीक्षा जो होगी वो 16 और 17 अप्रैल को होगी। नामांकन वापसी की तारीख 18 अप्रैल है और 18 अप्रैल को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी दिए जाएंगे। 26 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को मतगणना संपन्न होगी। तो तीसरे चरण के तहत 13 से 15 अप्रैल तक नामांकन की तारीख रखी गई है, उसके बाद समीक्षा होगी और 18 अप्रैल को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे और 2 मई को चुनाव की घोषणा होगी कि मतदान जो हुआ है उसमें कौन जीता है, कौन हारा है। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फेसबुक पर अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई और तमाम जानकारियां आप हमसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ले सकते हैं, वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं।